अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद द ग्रेट। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है बहुत सारा खुश आमदीद। ये है मेरा व्लॉग। जी हाँ, मैं दिन भर का मीन्स आज जो भी किया मैंने वो मीन्स थोड़ा थोड़ा ही लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। तो मैंने सोचा वो दिखाऊं, क्यों तो मेरी एक व्यूअर ने कहा है कि वो मीन्स डेली एक ही आप वीडियो बना रही हैं, उसे कुछ अलग ट्राई करो। तो यहाँ पर मैं इसलिए उसके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया है। सो यहाँ पर मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी, यहाँ पर बना रही थी तुरई। जी हाँ, तुरई बना रही थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर जल्दी रहता है मुझे करना। सो यहाँ पर मैंने जल्द से जल्द तुरई बना लिया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के बॉक्सेस भी पैक कर रहे, तो यहाँ पर बच्चों के भी नखरे बहुत रहते हैं, ये खाना है वो खाना है, हर दिन अलग अलग खाना रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही सोच के मैंने तुरई बनाया है। सो ये मैं तुरई बना रही हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए, तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दूंगी। दो तरह की तुरई बनाती हूँ मैं, एक खड़ी हरी में लाल मिर्च में बनाती हूँ, मीन्स खड़ी लाल मिर्च जो रहती है उसमें बनाती हूँ, और लाल मिर्च के पाउडर में टमाटर में बनाती हूँ। वो भी दोनों का टेस्ट अलग अलग है, मगर टेस्ट दोनों का बहुत ही अच्छा आता है। सो यहाँ पर मेरी तुरई भी बन गई और मैं यहाँ पर लंच बॉक्स भी रेडी कर रही हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और आशीर की फरमाइश थी कि आशीर को हर्षी का चॉकलेट सॉस और पराठा चाहिए था, तो मैंने दोपहर के टाइम वो नहीं खाएगा, इसलिए मैंने उसको हाफ रोटी को ही मैंने उसको रोल बना दिया, और हाफ रोटी से ही मैंने पैक मीन्स हाफ रोटी का बना के उसके डब्बे में पैक कर दिया। और यहाँ पर अरशान के बॉक्सेस है ये। सो मैंने जल्द से जल्द लिया, फिर बाद में स्कूल गई मैं। स्कूल में बहुत सारे मीन्स ये पोस्टर न्यू दिखे मुझे, सो मैंने सोचा इसका भी वीडियो ले लूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा स्कूल है, ये भी बहुत ही अच्छा है, एकदम पीसफुल दिख रहा था यहाँ पर। तो आम गौतम मॉडल स्कूल है, एडमिशन्स ओपन है, आप लोग को चाहिए तो आप लोग एडमिशन करा सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ की। और यहाँ पर भी मैं बना रही हूँ, मीन्स मुझे होता है मैं आई भी जाके लेटी नहीं लेटी के ऑर्डर आता है कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, वेज पिज़्ज़ा। और ये एक यूनिक था, मीन्स अब आज तक का मैंने ऐसा पिज़्ज़ा बनाया नहीं, जो मीन्स बनाया पिज़्ज़ा बनाया है मगर ऐसा दिया नहीं जिस तरह से उनकी डिमांड थी, कि उनको पिज़्ज़ा पीसेस में चाहिए ही नहीं था, मीन्स एकदम साबित पिज़्ज़ा चाहिए था। तो जो कि कट मीन्स पीसेस नहीं चाहिए थे उनको पिज़्ज़ा के, मीन्स कट करने के लिए मना किया। तो यहाँ पर मैंने कट नहीं किया, फिर पिज़्ज़ा को वैसे ही मैंने बनाया जैसे उनका डिमांड था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पिज़्ज़ा बनाया फिर 120 का। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाते टाइम भी मुझे एक ये हुआ कि मेरे बॉक्सेस ख़त्म हो चुके थे। सो मैंने सोचा मैं कैसा करूँ यार, बॉक्सेस नहीं है, अगर पास रहा है नज़दीक पास तो मैं उनको प्लेट में दे देती थी, मगर यहाँ पर मुझे कोई दूर से दूर का ऑर्डर था, तो मैं तभी बॉक्सेस लाई लेने गई और लेकर आई, फिर यहाँ पर बॉक्स में पैक कर लिया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने बॉक्स में पैक किया। उसके बाद मैंने थैंक यू नोट लिखा उनको, जो मेरे कस्टमर हैं उनको। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थैंक यू भी कह दिया और मेलोडी ग्रेट भी लिख दिया, और एक स्माइली भी दे दी जो कि प्यारी सी स्माइली है, जो कि हमेशा से रहना चाहिए हर एक के फेस पे, तो वो मैंने स्माइली भी बना दिया। तो यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी है और पिज़्ज़ा दे रही हूँ, पैक भी करी हूँ। सो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स को मीन्स जल्द से जल्द लाया भी और पैक भी किया। तो बहुत मेहनत रहती है यार, अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। सो कोई नहीं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।